देवेंद्र कुमार यादव, दो रेडियो स्टेशन बारह राजस्थान से। मैं वक्त 50 पावर और 50 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ इन सबको। इस ट्रैक्टर में फ्रंट बम्पर ये डिस्क लगा हुआ है जो ट्रैक्टर को चलाने संतुलित चलाने के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो फ्रंट बम्पर है ये 90 kg का है जो कि ट्रॉली या ट्रैक्टर को चलाने में सहायक बनाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट ट्रैक्टर जो एकदम स्टील की है जो गारा खींचने या अपनी धान की खेती करने के लिए एकदम अच्छा है। इसके अंदर पानी नहीं जाता जिससे इसके ब्रेक्स वगैरह खराब नहीं होते। इस ट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट एक्सल का जो स्पिंडल दिया हुआ है वो एकदम छोटा और मोटा दिया हुआ है जो ये कभी बेंड नहीं होता और टूटता भी नहीं, जिसकी वजह से इस ट्रैक्टर के अंदर कम मेंटेनेंस आता है। अदर ट्रैक्टर्स में वो ज़्यादा मेंटेनेंस होता है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में बैलेंस ब्रेक पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है जो कि ट्रैक्टर को चलाने के लिए स्थिरता और स्पीड में भी ट्रैक्टर बबलिंग नहीं करता। ये बहुत अच्छा पावर स्टीयरिंग है। इस ट्रैक्टर में फ्रंट वाले टायर 750 के लगे हुए हैं। इसके साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर व्हील बेस सबसे अदर ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा है और इस ट्रैक्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 430 mm है जो कि ऊबर कावर या जगह में चलाने में सही बनाता है। अदर ट्रैक्टर में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम आता है। इस ट्रैक्टर के अंदर कुछ क्लिक बटन दिए हुए हैं जो कि ट्रैक्टर के बोनट को खोलने में आरामदायक बनाता है। इसका जो बोनट है सिंगल पीस है स्टीललेस है जो कि इसका मजबूती प्रदान करता है। इस ट्रैक्टर के अंदर 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है जो कि बार बार के में डीजल बनने से मुक्ति दिलाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर सैमसंग का सुपर टॉर्क AC 327 इंजन दिया हुआ है जो कि कम RPM पर ज़्यादा टॉर्क देता है, ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है ट्रैक्टर के अंदर, जो जिसकी वजह से डीजल कम जलता है, ट्रैक्टर में की साउथ कम आती है और कम RPM पर ज़्यादा ताकत देने के कारण ये इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है और ट्रैक्टर इंजन गर्म भी बहुत कम होता है। इस ट्रैक्टर के अंदर अलग से ही 36 लीटर का हाइड्रोलिक पम्प दिया हुआ है जो कि अपना 2000 लोडर रिवर्सिबल MV प्लाव चलाने के लिए एकदम उपयुक्त है और साथ में इस पर 2000 लोडर लगाने के लिए अलग से पोर्ट दिए हुए हैं, इसमें इजी फिटिंग हो जाता है। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है, इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल का रिजर्व टैंक अलग से दिया हुआ है। अदर ट्रैक्टर्स में जो ऑयल की सप्लाई होती है वो ट्रांसमिशन ऑयल से होती है, जो ट्रांसमिशन ऑयल से होने के कारण उसमें ट्रांसमिशन की मेमरी स्टीयरिंग में जाती है जिससे स्टीयरिंग की लाइफ कम होती है। लेकिन इसमें अदर से अलग से रिजर्व टैंक होने की वजह से इसमें MV नहीं बनती और इसका स्टीयरिंग का लाइफ बहुत अच्छा होता है। और साथ में इसके ट्रैक्टर के चढ़ने के लिए पैरदान दिया हुआ है और साथ में एक हाथ से पकड़ने के लिए प्रयोग दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर के अंदर कार जैसा सीटिंग और ड्राइविंग के लिए कंपनी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। 30 सेल टाइप का प्लेटफॉर्म है और इस ट्रैक्टर के अंदर पेंडेंट टाइप के क्लच पेडल ब्रेक पेडल है और साइड शिफ्ट दिया हुआ है और स्टीयरिंग भी मोटा और बड़ा है जो पकड़ने में बहुत आसान रहता है और चलाने के लिए आरामदायक बनाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर हाइड्रोलिक लीवर और गियर लीवर एकदम पाउच के अंदर है और हैंड ब्रेक भी एकदम साइड में है जो कार जैसा इसमें हैंड ब्रेक भी है। एक इस ट्रैक्टर के अंदर ट्रांसपोर्ट लॉक दिया हुआ है जो कि इम्प्लीमेंट्स को बकर को सीरियल को कल्टी को किसी को ऊंचा पहुँचा रखने के लिए
लिए साइक बनाता है, इससे लोड करने के बाद कल्टीवेटर या जो भी अपना इम्प्लीमेंट है वो निकलने लगा। इस ट्रैक्टर के अंदर जो पिछले टाइम 14 और 28 इस साइज के दिए हैं, जो कि स्लिप बेल्ट नहीं निकालते और पूरी पावर से काम करते हैं ट्रैक्टर के अंदर। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 2300 kgf की है, जो अदर ट्रैक्टर किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। ये बहुत पावरफुल लिफ्ट दी है इस ट्रैक्टर में। और इसका एक पीपीओ है 1790 rpm पे 540 rpm देता है और पूरा 44 hp का बैकअप देता है पीपीओ। और इस ट्रैक्टर के अंदर पिछले हिस्से में पावर पंच टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर के अंदर पावर पंच टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसकी वजह से इस ट्रैक्टर में हमें बहुत कम मेंटेनेंस होता है। पावर पंच का मतलब 80 साइज सिप है, लॉजिकल सिप है, मैक्सी गियर है और फुल ड्राइव सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी वजह से इस ट्रैक्टर में मेंटेनेंस नहीं आता। फुल ड्राइव देने के कारण 20% अधिक लोड खींचता है और 10% ज़्यादा स्पीड देता है।